खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड में दांव पर लगी है देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता शिबू सोरेन की साख। आदिवासियों के बीच उन्हें दिशोम गुरु यानी आदिवासियों का भगवान तक कहा जाता है। देखिए 11 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके शिबू सोरेन की पार्टी का विजय रथ 2014 की मोदी लहर में थम गया था। राज्य की 14 सीटों में से बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ 2 सीटें बचाने में कामयाब हो पाई थी। झारखंड के दुमका से चुनाव मैदान में फिर से शिबू सोरेन, कभी उनके शिष्य रहे बीजेपी के सुनील सोरेन उन्हें टक्कर दे रहे हैं। आइए देखते हैं दुमका से निधिश्री की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दुमका लोकसभा का चुनाव है। जय श्री राम, हमारा लगातार कमल पे बटन दबाएंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, गांधी को जिताएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते रहे शिबू सोरेन 11वीं बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। दुमका लोकसभा सीट से वो एक बार फिर चुनावी मैदान में है। किस तरीके से उनका प्रचार प्रसार है, क्या कुछ अलग तरीका है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं दुमका। और यहाँ पर देखिए कि सामने आपको शिबू सोरेन दिखाई देंगे। हम आपके साथ आज एक दिन की चुनावी यात्रा पर चलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपका चुनाव करने का तरीका क्या है। चल सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शिबू सोरेन है, जाहिर तौर पर ये बड़ा चेहरा, आदिवासी के सबसे बड़े चेहरों में से एक माने जाते रहे। इनके चुनाव प्रचार का तरीका कैसे, आज हम जानेंगे और देखेंगे क्या खास तरीके से ये लोगों के बीच रहते हैं। और शिबू सोरेन का चुनाव प्रचार का तरीका क्या है, ये देखिए। एक गांव बंदर पानी में इस वक्त शिबू सोरेन पहुंचे हैं सभा के लिए। और यहाँ जो महिलाएं हैं, तमाम लड़कियां हैं, उनको आप देख सकते हैं पारंपरिक तरीके से ये नृत्य कर रही हैं। दरअसल ये आदिवासी डांस, जिसे अत्रदम भी कहा जाता है। और स्वागत करने के लिए खास तौर पर शिबू सोरेन के लिए आप देखिए कि ये तमाम महिलाएं इस वक्त डांस कर रही हैं और आदिवासी परंपरा के बिल्कुल अनुसार। और पीछे आपको शिबू सोरेन दिखाई देंगे तमाम समर्थकों के साथ, जो इस वक्त एक गांव में पहुंचे हैं। और ढोलक देख सकते हैं, नगाड़ा देख सकते हैं आप। ढोलक नगाड़े के साथ साथ शिबू सोरेन का स्वागत किस तरह यहां किया जा रहा है। जाहिर तौर पर आदिवासी चेहरा के तौर पर पिछले लगभग अगर बात की जाए तो आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा आदिवासी का चेहरा उभरा है बनकर, वो एक शिबू सोरेन का है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, ये किस तरीके से एक गांव में जब सभा करने के लिए पहुँचे हैं शिबू सोरेन, तो तमाम लोग, तमाम समर्थक और उसके साथ ही साथ जो गाँव के लोग हैं, आदिवासी जनता जो है वो यहाँ उनके स्वागत के लिए पहुँची हैं। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से भले ही इस बार शिबू सोरेन जो है वो उनके चेहरे पर थकावट दिखता है, लेकिन यहाँ जो उनका जनाधार है उसमें उसकी, शिबू सोरेन की लोकप्रियता में किसी तरीके से अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। और ये देखिए, ये एक और तस्वीर, यहाँ खास तौर पर संथाल परंपरा के अनुसार ये देखिए, ये महिलाएं हैं गांव की और ये पाँव पखारा जा रहा है। आप देखेंगे कि ये जो बर्तन है ये पीतल का है और उससे यहाँ पर पाँव पकड़ने की कोशिश। दरअसल शिबू सोरेन की उम्र लगभग 75 साल हो गई है और उनका अपना एक पहचान है, एक जनाधार है, खास तौर पर संथाल परगना में। और ये इस तरीके से एक सभा के दौरान ये जो तमाम लोग हैं आप देख सकते हैं, गांव के ये ग्रामीण आदिवासी महिलाएं जो यहां पर बैठी हुई हैं तस्वीरों में। और ये देखिए, ये अलग तरीके से ये बैठकर खास तौर पर शिबू सोरेन यहां बातचीत कर रहे हैं। और यहां की जो भाषा है वो संथाल है, लिहाजा संथाल भाषा में ही जो यहां के फिलहाल जो इनके प्रतिनिधि हैं वो इन महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ आपको पुरुष भी दिखाई देंगे, हर वर्ग के यहाँ पर आपको लोग दिख रहे होंगे। बच्चे, महिलाएं भी हैं, बूढ़ी औरतें भी हैं गांव की जो यहाँ बैठी हुई हैं और शिबू सोरेन इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से इस बार 11वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं शिबू सोरेन, ऐसे में उनका अपना खास पहचान। और ये पहचान और ये तस्वीर आप
बहुत कुछ यहाँ से फिलहाल कहती है। आपको पता है क्या नाम है इनका? जी, क्या नाम? शिव सोरेन। कौन है ये? संसद। संसद, संसद है। अच्छा, कौन सा छाप है इनका? क्या कहते हैं, तीर्धनुष। तीर्धनुष देख के झंडा पर बता दी? नहीं नहीं। कैसा लगता है नेता आते हैं आपके यहाँ वोट भाषण देने आते हैं? और कोई नेता यहाँ आया है? जी अभी तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। नहीं, बीजेपी के टिकट पर कोई और चुनाव लड़ रहा है यहाँ आपके यहाँ? हाँ सर, पता है, सुनील सोरेन। सुनील सोरेन, अच्छा। तो शिबू सोरेन और सुनील सोरेन में टक्कर मानते हैं कि टक्कर है या शिबू सोरेन बहुत आगे हैं? टक्कर नहीं है, नहीं है। जो नीतियाँ लागू हुई हैं उनमें क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है? लगभग काम तो चल ही रहा है मैम, और उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे सांसद शिबू सोरेन जी अगर फिर से आ जाएंगे तो जरूर अपने कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। दोनों ही प्रत्याशी यानी जेएमएम के शिबू सोरेन और बीजेपी के सुनील सोरेन, सोरेन समुदाय से आते हैं, आदिवासियों की खासतौर पर जो परंपरा है, किस तरीके से स्वागत किया जाता है, उसकी एक तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जहाँ देखेंगे किस तरीके से फूलों के माला से स्वागत किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ नगाड़ा बजाकर यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनके स्वागत, एक तस्वीर, ये बिल्कुल अलग तस्वीर है। आदिवासियों की खास तौर पर जो परंपरा रही है संथाल परंपरा, उसके अनुसार यहाँ नगाड़ा बजाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। वोटरों की शादी की कोशिश तो है ही, लेकिन परंपरा को बनाए रखना किस तरीके से इनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि शिबू सोरेन का ये गढ़ है। ऐसे में बीजेपी के सुनील सोरेन भी अपने तरीके से जनता के बीच संपर्क की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर है। कैसा लगता है जब इस तरीके से नगाड़ा बजाकर फूल पहनाकर स्वागत किया जाता है? ये हमारा जो है परंपरा है। हाँ। जो भी हमारा कुटुंब इस क्षेत्र में आते हैं तो आदिवासी रीति रिवाज से हम लोग उसको स्वागत करते हैं, और उसी के संदर्भ में जो देख रहे हैं आप बजा, वही है हम लोग का आदिवासी परंपरा। लेकिन शिबू सोरेन को यहाँ लोग भगवान के तरीके से मानते हैं, और वो जब भी आते लोग पाँव, हालांकि पाँव पकड़ने को आपको भी मैंने तस्वीर देखा कि आपको भी पाँव पकड़ा जा रहा है, लेकिन एक जिनकी छवि इतनी बड़ी है कैसे टक्कर दे पाएंगे सर? निश्चित रूप से जनता है मेरे साथ, जनता मेरे साथ। देखिए चेतन, जीत को लेकर प्रत्याशी एड़ी चोटी की कोशिश तो कर ही रहे हैं, और इस दौरान अगर जनसंपर्क में भूख लगी तो किस तरीके से खाना खाते, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन को आप देखिए तमाम कार्यकर्ता के बीच, यहां इनके लिए खासतौर पर ये खाना बनाया गया है, और ये साल के पत्ते पर खाना परोसा गया है, और ये दाल जिसमें आदिवासी छौक लगा हुआ है जाहिर तौर पर, चावल, सब्जी और पापड़, और ये अलग स्टाइल, और इसी शैली में ये आदिवासियों के बीच रहना, उनसे बातचीत करना, वोट अपील करना, और भूख लगने पर पेट की शुदा को एक तरीके से कहे तो शांत करना, ये बिल्कुल अलग तस्वीर, और ये आदिवासी परंपरा को किस तरीके से बनाए रखना, ये भी इसकी भी एक विविधता की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ पर सुनील सोरेन इस वक्त कैमरे में आपको खाना खाते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये बताइए, कमल फूल छाप को वोट देना है कि किसी और को देना है? काहे के लिए? वो अच्छा मानता है। कौन मानता है अच्छा? सुनील। सुनील सोरेन को कौन मानता है अच्छा? सबको। हाँ, नरेंद्र मोदी कौन है दीदी? वही नरेंद्र मोदी, बढ़िया लोग है। कौन है? मंत्री। मंत्री है? नाम सुनिए पहले। कौन है? मोदी। ये महिलाएं ग्रामीण महिलाएं हैं, लिहाजा इनसे सवाल सिर्फ इतना कि इनके जो भी इनके इलाके में जो नेता आते हैं वादा करते हैं, लेकिन इन वादों को क्या कभी नेता ने आज तक पूरा किया है? तस्वीर आपके सामने है, तमाम ये महिलाएं जिनके हाथ में आप पैम्पलेट देख सकते हैं, लेकिन दरअसल इन्हें जो भी नेता आया अपने फायदे गिनवाए, उपलब्धियां गिनवाए, और उसके बाद चले गए। इनका भरोसा क्या इस बार के जो पहली पसंद इनके होंगे क्या वो जीत पाएंगे, सवाल ये है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दुमका लोकसभा में सियासत क्या रंग लाता है। कैमरा पर्सन बैजनाथ के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दुमका।